बिहार में परसा से चंद्रिका राय को चुनौती देंगी उनकी भतीजी करिश्मा, राजद में होंगी शामिल। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार का राज भ्रष्टाचारियों का राज है, बिना घूस या कमीशन के कोई काम पूरा नहीं हो पाता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका गांधी को लोगों के दिलों से कैसे निकालेगी मोदी सरकार। कानपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, 12 रुपए में बटा एक लीटर पेट्रोल, पुलिस ने ट्रेड यूनियन उपाध्यक्ष समेत 25 पर दर्ज की FIR। बुलंदशहर में नहर में बहकर आए शव को बच्चों से बाहर निकलवाया, खुद किनारे खड़े रहे पुलिसकर्मी, दरोगा समेत 2 सस्पेंड। अमेठी में हादसा, अनियंत्रित होकर नहर में पलटी कार, 2 की मौत, 3 दिन पहले ही मृतक ने खरीदी थी गाड़ी। गाजियाबाद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से नगर निगम कार्यालय से DM अजय शंकर पांडे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाराबंकी के चंद्रा अस्पताल में भर्ती 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए, जनपद में अब कुल 70 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में 817 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, एक्टिव केसों की संख्या 6869 हो गई है, रिकवर होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 17221 है, अब तक 735 संक्रमित लोगों की जान जा चुकी है। CM योगी का निर्देश, कहा बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित को भी कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। CM योगी ने खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बहराइच में पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल की चीनी मोबाइल एप्स के खिलाफ मुहिम, अभियान चलाकर डिलीट कराया। 5 जुलाई से घर घर कोरोना की स्क्रीनिंग, योगी सरकार ने लगाई 1,00,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम। लखनऊ में हुए NTCAA प्रोटेस्ट के मामले में 4 आरोपियों से 1,55,62,000 की रिकवरी के लिए कुर्की का आदेश। लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बयान दर्ज कराने पहुंची CBI कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बाबरी विध्वंस केस की चल रही है सुनवाई। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द UP हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।